हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैट्रिक वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, किसी का भाई किसी की जान फाइनली आज रिलीज हो गई है बड़ी स्क्रीन पे दोस्तों, और मैं मौजूद हूँ सिनेपोलिस थिएटर जहाँ पे पबजी रिएक्शन लेने आया था मैं। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे टॉम भाई। आपको पता ही, हमारे टॉम भाई तो आए हैं साथ में, तो फाइनली इन्होंने देख लिया है फुल मूवी किसी का भाई किसी की जान। तो चलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इंटरवल तक तो आपने देखा ही, आपने रिव्यू भी दिया, अब इंटरवल के बाद आपको कैसी लगी मूवी, तो चलिए इसमें आप बताने की कोशिश करेंगे आपको कैसी लगी। यस, मेरा इंटरव्यू तो ईद पे भाईजान तो आ गए। ईद तो एक्चुअल में कल है, पर आज निकाला फर्स्ट डे फर्स्ट शो। जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसी और जान देखूंगा, और मैं आया देखने को। और वन एक ही बार मैं बोलूँगा, ये जो भाईजान थे ना, पहले मेरे को ऐसा लगा कि जब मैंने ट्यूबलाइट ऐसा पीछे लगे यार अभी भाईजान को टेस्ट गया, पर अभी ये मूवी देख के लगा बोले जैसे पठान में शाहरुख खान बोलते हैं ना जिंदा है, वैसा हमारा भाईजान जिंदा है। ठीक है, भाईजान ने वही रोल में आया जिस तरह से वांटेड में चाहिए थे हमको, बॉडीगार्ड में देखा था, रेडी में देखा था, वही रोल में वापस सलमान भाई आ गए। सच में फुल वही कैरेक्टर में भाईजान वाले एकदम बोले तो एकदम भाई वाले रोल में आते ना, वैसे रोल में आए सच में। क्योंकि यहाँ पे रूमाल भी किया है, ब्रेसलेट भी किया है, बड़े बाल किए हैं, बड़े बाल पे वो स्कार्फ बांधा है, बॉडी दिखाया है, क्या क्या बताया, मतलब फुल मज़ेदार, फुल एंटरटेनमेंट टाइप की है, एक नंबर बात करूँगा। पूजा हेगड़े और सलमान खान की केमिस्ट्री, पूजा हेगड़े सलमान भाई की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। वो जो गाना था नहीं हो लग रहा, तो वो तो सेम मेरे को रेडी पिक्चर का फीलिंग दिलाया जब वो गाना था हमको प्यार हुआ, और बाद में जो गर्ड पिक्चर में तम तुमको निकाह वाला गाना है, तो वही फीलिंग यहाँ पे दिलाया मेरे को वो गाने ने, तो बहुत अच्छे से केमिस्ट्री है। फिर दूसरा एक पॉइंट बोलूँगा कि केमिस्ट्री तो है, प्लस जो 1989 की केमिस्ट्री थी भाईजान, वो भी लेके आ गए ईद के टाइम पे। क्योंकि वो टाइम पे मेरे को मालूम में जब मैं बॉर्न हुआ था 97 में, और पिक्चर थी 1989 में। अभी बहुत लोग ने अच्छे ने रिवील कर दिया रहेगा, मैं तो सिर्फ एक क्लियर बोल रहा हूँ कि 1989 का जो केमिस्ट्री था वो पिक्चर में डाला, वो भी आमने सामने वो पिक्चर के गाने का ट्यून के साथ। क्या मज़ा आया वो सीन देख के, बोले ऐसा लग रहा है कि यार हमारे जनरेशन में शायद से हमको वो मूवी देख नहीं सकते थे, बट आज के जनरेशन में जो सलमान भाई हमको मूवी में देखते पड़े वो सीन लाए, अच्छा लगा, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, मेरे को बहुत पसंद है वो सीन। यस यस, इंटर के बाद साउथ का कल्चर चालू होता है पूरा, और साउथ के कल्चर में ऐसा मैं घुस गया पूरा, वो इंटर के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सलमान भाई की मूवी देख रहा हूँ, वो भी ईद पे। क्योंकि उन्होंने ऐसा ट्विस्ट किया है इंटर में कि पूरा साउथ का कल्चर बताया, वेंकटेश्वर की जो फैमिली है उनके बारे में बताया, जगपति पे रोल ज़्यादा किया, जगपति का एक्टिंग के बाद क्या करूँ, वो बंदे का नाम अगर आ गया विलन में है तो उधर ही ख़त्म, मतलब पिक्चर मज़ा ही आने वाला है। क्योंकि वो बंदा विलन में ऐसा काम करता है ना कि मतलब बोले तो आज के जो न्यू जनरेशन जो विलन का काम करते हैं वो उनको उनसे सीखना चाहिए ऐसे। क्योंकि आप उनके भैरवी मूवी देख लो, वही रोल में यहाँ पे उन्होंने काम किया है, सेम रोल देखेगा आपको, पर इतना अच्छे से प्रेजेंट किया है, जहाँ पे हंसने का, गुस्सा करने का, एंगर वाला और रोने वाला जो लास्ट में एक इमोशनल सीन है उनका, वो भी एक मतलब बहुत अच्छे से एक्टिंग किया उन्होंने। वेंकटेश्वर का तो क्या बात बोले यार, एकदम भोलेपन में भाई, इनमें तो कुछ अलग ही बता दिया उनका, समझ में इतना अच्छा सा, मतलब सलमान भाई की मूवी में उनका कुछ सस्पेंस नहीं है पर इनका सस्पेंस निकला है ऐसे, तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। और एक बात मैं बोलूँगा, पूरा पिक्चर देखने के बाद आपने इंटरवल का रिव्यू तो देखा ही रहेगा, पर अभी इंटरवल के बाद से मैंने पिक्चर देखा ना, इतना पता चल गया कि इतने अच्छे से साउथ के परफॉर्मेंस और साउथ का कल्चर देखने के लिए फ़र्क समझी नहीं कर पाएगा। अभी आप भी बताओ कि फ़र्क समझेगा क्या अगर मूवी देखोगे, कि मेरे को तो लग रहा है फ़र्क समझी नहीं बना पिक्चर। हाँ, पिक्चर में नाम है, पिक्चर में है भी हो, है भी पिक्चर में, ऐसा नहीं कि नहीं पिक्चर में भी हो, पर मेरे को लग नहीं डायरेक्शन उन्होंने दिया, क्योंकि इतने अच्छे कल्चर बताया। क्योंकि अगर आप देखा जाए अभी जो साउथ वाले जो हमारे रिव्यूज़ देखते हैं, उन लोग के खुद बता दो कि इतने अच्छे से डायरेक्शन बॉलीवुड वाले कर सकते हैं, बॉलीवुड डायरेक्टर सिर्फ साउथ डायरेक्टर ही कर सकते हैं, क्योंकि तो साउथ वाली फीलिंग आ रही है स्टार्टिंग से एंड तक, एक सीन बोरिंग नहीं है, हर एक सीन पे सलमान भाई का स्वैग, ड्रेसिंग, जो एक एक लुक है, मतलब पहले बड़े बाल में आते हैं इंटरवल के पहले, इंटरवल के बाद में फिर दाढ़ी में आते हैं, क्लाइमेक्स में तो क्लीन शेव में आ जाते हैं, मतलब तीन रोल अलग अलग टाइम पे दिया उन्होंने, तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। खासकर मेट्रो सीन का एक्शन सीन और रवि भासुर का म्यूजिक, किसी का भाई किसी का बैकग्राउंड और हर एक सीन का म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। देखिए चलिए, एंड में अगर इस मूवी को आपको रेटिंग देना हो तो मूवी को अगर रेटिंग में दूँ तो मूवी मेरे को 5 में से 5 नहीं देना, 10 में से 10 दूंगा। क्योंकि यार उधर साउथ कल्चर बताओ, एक बात मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि 2022 में लोगों ने बोला कि बॉलीवुड इज़ फिनिश, बॉलीवुड अभी आगे नहीं आएगा, अभी साउथ का ही टेस्ट ज़्यादा पब्लिक पसंद करती है, तो सलमान भाई ने इंतजार किया, सलमान भाई लोगों को टेस्ट देखना है ना, सिर्फ साउथ का पसंद आ, साउथ का टेस्ट देखना है ना उनको, मैं दिखा दूँ ईद पे, और भाई ने ईद पे पूरा साउथ ही उठा के लेके आ गया, पूरा साउथ उठा के इधर ही लेके आ गया, रामचरण को लेके आ गया, जगपति, वेंकटेश्वर, जो जगपति के पीछे जो विलेंस है सब, वो भी सब साउथ के,
तो मतलब पूरे साउथ ही उठा के लेके आ गया, बोला मेरे पिक्चर में काम करो, ईद पे निकालूंगा। और ईद ही मिल गई है सलमान भाई को, सब लोग को मैं ये बोलूंगा पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट पैक मूवी है, जाके देखो इन्जॉय करोगे। सलमान भाई का नाम है, मतलब सलमान भाई की मूवी मैंने समझो फैमिली पिक्चर ही है, जो आपको रेडी और प्रेम रतन धनपा में दिया था वो फैमिली पिक्चर, वही फील आपको यहाँ पे दिलाएगा सच में। तो जाओ फैमिली से एंजॉय करो, मैं तो वापस से जाने वाला हूँ ईद पे कल। यस yes.